नमस्कार दोस्तों, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों पर पहले दिन से जारी सियासत में अब बॉलीवुड की एंट्री हो गई है। महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने इस मामले को लेकर बॉलीवुड के अभिनेता अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अब मुंबई में ना तो इनकी कोई फिल्म रिलीज होने दी जाएगी, ना ही इनकी शूटिंग होने दी जाएगी। कांग्रेस के इसी बयान को लेकर अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पूरी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और अनिल विज ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को इन अभिनेताओं से माफ़ी मांगने की नसीहत दी है। विज ने कहा कि विपक्ष की सार्थक भूमिका निभाने में असफल कांग्रेस अब सिने स्टारों का साथ लेकर अपना अस्तित्व बचाने का प्रयास कर रही है। विपक्ष की सार्थक भूमिका निभाने में असमर्थ कांग्रेस पार्टी सरकार का विरोध करने के लिए सिने स्टारों की मदद लेना चाहती है और उसके लिए देश का सम्मान अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे सिने स्टारों को धमकाया जा रहा है। यह कांग्रेस के अपंग होने और खोखला होने का परिचायक है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार से माफ़ी मांगनी चाहिए और महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं कि सरकार किसानों के साथ वक्त बर्बाद करके उनके हौसले तोड़ना चाहती है, किसानों को तोड़ना चाहती है। इस मुद्दे पर भी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि किसानों के मुद्दे पर सरकार का रुख पहले दिन से ही पॉजिटिव है और सरकार के दरवाजे हमेशा किसानों के साथ बातचीत के लिए खुले हैं। विज ने किसानों के मुद्दे पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, ये आपको सुनवा देते हैं। नहीं, सरकार कोई समय नष्ट नहीं कर रही है। सरकार ने तो हमेशा कहा है कि हमारे दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि मैं तो एक टेलीफोन की दूरी पर हूं आपसे। अब ये तो किसान नेता कह रहे हैं कि अक्टूबर तक हमारे पास समय है, तो सरकार तो कोई डिले नहीं कर रही। अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए और अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ की मोबाइल ऐप भी डाउनलोड करें।